आज हम विज्ञान विषय कक्षा 10वीं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। नियंत्रण हमारे दैनिक जीवन में हम पर्यावरण के प्रति कुछ क्रियाओं को हम देखते हैं और उसके देखने के बाद हम प्रतिक्रिया के बाद उसको हम निर्णय लेते हैं और एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो नियंत्रण का अर्थ होगा कि पर्यावरण के प्रति जो हलचल हुई है, जो गति हुई है, हम उसको कैसे नियंत्रित, हमारा तंत्रिका तंत्र कैसे समन्वय करता है, वो है नियंत्रण। और समन्वय कोई भी जो क्रिया होती है तो हमारा शरीर, हमारा तंत्रिका तंत्र, सभी अंग मिलकर उस पर सामूहिक रूप से अपना समन्वय, सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसको हम कहते हैं समन्वय। तो हम देखते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। तो ये मैंने इसका अर्थ बता दिया, समन्वय। अब हमारे शरीर में क्या होता है, जो समन्वय होता है वो तंत्रिकीय समन्वय भी होता है और रासायनिक समन्वय भी होता है। ये देखिए आप, समन्वय, एक समन्वय होगा हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र द्वारा और एक समन्वय होता है रासायनिक समन्वय, रासायनिक समन्वय। तो अभी हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वय। तो जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में, अभी मैं इसका चित्र आगे बना रही हूँ, तो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो जो तंत्रिका कोशिका है उसको हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं, ये तंत्रिका तंत्र पेशी ऊतक द्वारा संचालित होता है। जैसे हमें किसी ने कहा हाथ ऊपर उठाओ, तो हम हाथ ऊपर, कान ने सुना और मस्तिष्क ने उसको आज्ञा दी, पेशियों तक ये बात पहुंची और हमारा हाथ ऊपर उठ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। तंत्रिका कोशिका देखिए, ये इस प्रकार, इसमें एक केंद्रक होता है और यहाँ से ये पतले पतले जाल निकलते हैं, इनको हम द्रुमिका कहते हैं। और जो ये बीच का हिस्सा है ये कोशिका का है और एक हिस्सा थोड़ा लंबा हो जाता है, ये कहलाता है तंत्री काक्ष। और तंत्री काक्ष के यहाँ से कुछ शाखाएं निकलती हैं इस प्रकार, ये तो हम देखते हैं। और ये द्रुमिका, इसको डेंड्राइट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और ये जो हमारे उद्दीपन है इनको एक विद्युत आवेग की तरह बदल देती है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका चित्र आता भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार, जो आपने अभी देखा था, ये जो इस प्रकार ये न्यूरॉन है ये इस प्रकार लंबा है, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, ये इसकी शाखाएं इससे संबंध बनाती हैं, इस प्रकार ये जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये एक हो गया, इस प्रकार ये दूसरा और इस प्रकार ये तीसरा, ये देखिए आप। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं और ये हमारी पेशियों, हमारे शरीर की पेशियां जहाँ से हम गति करते हैं, हलचल करते हैं, उस प्रकार ये जुड़ी हुई रहती हैं और सूचनाओं को विद्युत आवेग की तरह हमारी पेशियों को पहुंचाती हैं। इस प्रकार सारी कोशिकाओं में ये तंत्रिका जाल फैला हुआ रहता है। अब सिनेप्स क्या है? तंत्रिका तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, जो एक न्यूरॉन होता है, जो एक न्यूरॉन होता है, अभी मैंने इसका बताया, ये जो द्रुमिका है और एक हिस्सा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसको अपन एक्सॉन या तंत्रिका कक्ष कहते हैं। तो इसकी ये देखेंगे तंत्रिकाएं हैं, वो दूसरे
दूसरे से इस प्रकार ये। तो यहां पर एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से संबंध होता है, जो स्थान होता है यहाँ का, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ये सिनेप्स क्या है? तो एक्सॉन का ये जो अंतिम सिरा और दूसरे न्यूरॉन का जो ये वाला सिरा आपस में संबंधित रहते हैं, और इस संबंध को हम बोलते हैं सिनेप्स। और ये रसायन सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है प्रतिवर्ती क्रिया। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा तंत्रिका तंत्र ये दो भागों में आप बांट सकते हैं। तंत्रिका एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा? यहां पर हमारा मस्तिष्क आएगा ये, और ये मस्तिष्क से एक लंबी रचना निकलेगी मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, और यह है, अरे मस्तिष्क, तो ये जो, और यहां से इस प्रकार तंत्रिकाएं निकली हुई रहती हैं। तो ये केंद्रीय हिस्सा है, ये मस्तिष्क है, और इससे निकला हुआ है मेरु रज्जु। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, एकदम अचानक होती हैं, जैसे छींक का आना, हम जा रहे हैं कहीं और अचानक हमारा पैर किसी से टच हुआ और हम अचानक वहां से हट जाते हैं। देखा, हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, छींक का आना, पलकों का झपकना, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, वो कहलाती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये जो मस्तिष्क है और ये मेरु रज्जु, तो और बाकी ये आप देखेंगे, ये हमारा मान लो ये हाथ है, तो इस प्रकार ये तंत्रिका न्यूरॉन्स के द्वारा, ये न्यूरॉन्स के द्वारा ये सूचनाएं मेरु रज्जु तक पहुंचेंगी, मेरु रज्जु से कहाँ पहुंचेंगी? मस्तिष्क तक। लेकिन कुछ क्रियाएं अचानक होती हैं और मेरु रज्जु के द्वारा हो जाती है ये हिस्सा, और मस्तिष्क तक उसकी सूचना नहीं पहुंच पाती है। ये क्रियाएं कहलाती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब कोई कारण होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर ये गर्म है, तो हमारा हाथ जैसे ही ये गर्म स्थान पर पड़ता है तो हमारे त्वचा में ग्राही कोशिकाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, तो ये ग्राही अंग, और इस प्रकार ये सूचना, देखिए आप, संवेदी तंत्रिका कोशिका से ये सूचना, ये हमारा मेरु रज्जु है। ये क्या है? मेरु रज्जु, इसका एक TS बनाया है, तो मेरु रज्जु तक सूचनाएं पहुंचती हैं। मेरु रज्जु के अंदर एक धूसर द्रव्य होता है, ग्रे मैटर, और वहां से ये वहीं के वापस प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका में ये आती हैं, और यहाँ से दूसरी तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका कोशिका से होती हुई हमारे हाथ की जो पेशियां हैं, कार्यकर अंग है, वो इसको सूचना देते हैं और तुरंत हमारा हाथ वहां से हट जाता है। तो ये जो क्रिया हुई है प्रतिवर्ती क्रिया, ये इसमें मस्तिष्क का कोई भी रोल नहीं रहता है, मस्तिष्क तक इसकी ये बात पहुंच नहीं पाती है, और सारी क्रियाएं केवल किसके द्वारा संपन्न हो जाती हैं? मेरु रज्जु के द्वारा। तो वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उद्दीपन, उद्दीपन मतलब कोई कारण, जैसे आपको कोई पिन चुभो दे या गर्म पानी है, तो ये इस प्रकार इसके द्वारा ये सूचना पहुंचती है और वापस प्रेरक तंत्रिका से हम कार्यकर भुजा या किसी भी अंग में वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो ये कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया।
ये प्रतिवर्ती क्रिया हमेशा आती है, ये मतलब महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब होता है प्रतिवर्ती चा। तो आप जिस जिस अंग से वो गुजर रहा है पूरा रास्ता, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे उद्दीपक, सबसे पहले कारण लिखेंगे। उद्दीपक के बाद आप क्या लिखेंगे? ग्राही अंग। ग्राही अंग से संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका से मेरु रज्जु, और फिर प्रतिसारण कोशिका, प्रेरक तंत्रिका और कारकर। इस प्रकार ये मार्ग आप लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती चाप। अब अगला टॉपिक है हमारा मस्तिष्क। अभी हमने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ा, जो कि मेरु रज्जु के द्वारा हो रही है। हमारा अगला भाग है मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क है, इसके तीन भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो मस्तिष्क है, ये खोपड़ी, हड्डियों का एक ढांचा होता है, उसको खोपड़ी कहते हैं। वहाँ पर ये अंदर रहता है। इसके तीन भाग हैं मस्तिष्क के, ये जो दिख रहा है शुरू का, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही आ जाता है प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, ये देखिए आप, ये यहाँ तक मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पर मध्य मस्तिष्क में ही हाइपोथैलेमस रहता है, और बाजू में यहाँ पर एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और पश्च मतलब तीसरा हिस्सा, ये वाला, इसमें तीन अंग, ये पूरा पांस नामक, ये पांस है, ये मेड्यूला है, और ये अनुमस्तिष्क है। और इसका ये हिस्सा, ये आप देखे थे ना, ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क का ये हिस्सा क्या बनाता है? मेरु रज्जु, ये यहाँ से। तो अब इसके अलग अलग कार्य पढ़ेंगे। जो अग्र मस्तिष्क है, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित करता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। सारी सूचनाएं एकत्रित करता है, फिर उसका एनालिसिस या विश्लेषण करता है। और जो मध्य मस्तिष्क है, इसमें भी विशिष्ट अंग पाए जाते हैं सुनने के और संवेदनाओं को देखने के लिए। और जो पश्च मस्तिष्क है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन और कभी कभी मुंह में अचानक लार उत्पन्न होना। तो ये सारी क्रियाएं मध्य मस्तिष्क के द्वारा संचालित की जाती हैं, और ये है मेरु रज्जु। ये देखिए कार मध्य मस्तिष्क के। अच्छा, अब जो मस्तिष्क है, बहुत ही कोमल अंग है, तो मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं उनको रक्षित किया जाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, उसके चारों ओर एक कपाल या हड्डियों का एक भाग होता है, जिसके अंदर मस्तिष्क पाया जाता है। उसी प्रकार जो मेरु रज्जु है, ये भी वहाँ पर ऐसी पतली पतली हड्डियों का, आप मेरुदंड बोलते हैं, उसके अंदर ये, इसके अंदर ये मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। ये शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकते हैं, मस्तिष्क के कार्य लिखिए और मेरु रज्जु के कार्य, और न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका को आपका चित्र बनाना है। धन्यवाद।